हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई अल्पर पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर आज हुआ है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी जो भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो अपना स्कोर चेक कर पाए और जो भी उनका स्कोर आ रहा है उससे अपनी तैयारी को जज कर पाए, आखिर में उसने कितनी तैयारी की थी और कितना परिणाम आया और उनकी सफलता होगी या नहीं, यानी वो एग्जाम पास करेंगे या नहीं, इन सारी बातों को जज कर पाए। ठीक है, तो चलिए जो बच्चे देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रीजनिंग सेक्शन पे चलेंगे। आप लोगों को पता है रीजनिंग में सबसे पहला ऑड मैन आउट है। ऑड मैन आउट में देख सकते हैं इसमें क्या करना है, ये चार फिगर दी गई है, इसमें एक फिगर क्या है अलग है और तीन फिगर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे क्या हो रही है, मैच हो रही है। देखो बच्चे, इसमें दोनों व्हाइट है ना, इसमें भी दोनों व्हाइट है, इसमें भी दोनों व्हाइट है, लेकिन इसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए पहले का क्या हो जाएगा ए, पहले का क्या हो जाएगा ए। दो नंबर देखते हैं बच्चा, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर है, लेकिन दूसरे में क्या है, ये तीर नहीं है, क्या हो जाएगा बच्चों सी। दो का क्या हो जाएगा बच्चा सी। तीन का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, देखो इधर क्या है ना, जिधर बड़ी वाली डंडी है ना उधर ही चिपका रखा है, इधर भी डंडी है, इधर भी डंडी है, इसमें दोनों में डंडी है, इसमें भी दोनों में डंडी है, लेकिन यहाँ पे ये वाली डंडी गायब कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों तीसरे का क्या हो जाएगा डी। ठीक ना, फास्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। चौथा देखो बच्चों, सब में कोने पे कितना है, चार चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए चौथे का क्या हो जाएगा बच्चों डी। पांचवा देखते हैं बच्चा, पांचवे पे क्या है ना, देखो सेम हमें आकृति देखनी है, सिमिलर फिगर देखना है। देखो बच्चों कौन सा सिमिलर फिगर है, देखो ऑप्शन नंबर, ये तो डी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा डी भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा पांचवे का क्या हो जाएगा ए। छह नंबर देखो बच्चों, छह का बिल्कुल फिगर मैच करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये यहां से कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी देखो क्या हो जाएगा सी। सिक्स का क्या हो जाएगा सी। डी नंबर देखो बच्चों, सातवें का ये नीचे वाला पार्ट देखो, यहां नहीं है कैंसिल, यहां भी नहीं है कैंसिल, यहां भी नहीं है कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों सातवें का बी। एट नंबर देखो, एट में क्या है, अंदर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी अंदर गोला है, यहाँ भी अंदर गोला है, लेकिन बी में नहीं है। आठवें का क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। नौ नंबर देखो बच्चों, हमें क्या करनी है, आकृति कंप्लीट करनी है, इन्होंने ऐसे बनाया, बिल्कुल ऐसे बना दिया, जैसा इधर वैसा इधर, यहाँ जैसे है वैसा इधर आएगा, ये आकृति बच्चों ऐसे आएगी। किसमें दिया गया, ए में नहीं दिया गया, सी में भी नहीं दिया गया, डी में भी नहीं दिया गया, किसमें दिया गया है बच्चों बी में। नाइन का क्या हो जाएगा बी। टेन का करते हैं बच्चों, यहाँ एक दो तीन कितना हो जाएगा चार, चार फिगर वाला होगा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ तो चार है लेकिन ये लाइन क्या होगी, ऐसे थोड़ा सा क्या होगी, इसको मैच करेगी, जैसे इसमें यहाँ पे मैच की हुई है, ये कैंसिल ये कैंसिल, बच्चा सी और डी। डी में यहाँ तीन दिया है इसलिए ये कैंसिल क्या हो जाएगा बच्चा सी। दस का क्या लगाओगे बच्चे सी। ग्यारह का देखो बच्चों क्या होगा, ग्यारह का केवल ये लाइन कंप्लीट कर देनी है, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, बच्चा क्या हो जाएगा ए। ग्यारह का क्या होगा ए हो जाएगा। बारह देखो बच्चों, ऐसा बस क्या होगा, जैसा इधर बना हुआ है यहाँ पे कोने पे बनना चाहिए, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं है कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों बारह का बी। बारह का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तेरह का देखो, तेरह का देखो एक है ना, दो देखो, एक गोला दो गोला तीन गोला चार गोले होंगे, यहाँ तीन गोला कैंसिल, यहाँ पे तीन गोला कैंसिल। अब देखो बच्चों इसमें क्या किया ना, एक लाइन थी दो लाइन हुई, एक लाइन थी दो लाइन तीन लाइन हुई, तो एक लाइन और बन जाएगी चार लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन, क्या हो जाएगा बच्चों बी। तेरह का क्या हो जाएगा बी। चौदह का देखो बच्चों, इस आकृति को हटाया एक गोला बढ़ाया, इस आकृति को हटाया एक गोला बढ़ाया, इस आकृति को हटा दो एक और गोला बढ़ा दो, कितना बच्चा हो जाएगा चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चौदह का क्या हो जाएगा डी। पंद्रह का क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक गोला है यहाँ पे, नीचे एक छोटा सा गोला अटैच किया, फिर एक बड़ा गोला अटैच किया, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, छोटा गोला अटैच कर दोगे, क्या हो जाएगा बच्चों सी। पंद्रह का क्या हो जाएगा सी, ये बच्चा गलत किया है, पंद्रह का क्या हो जाएगा सी। सोलह देखो, एक इधर था एक इधर किया, फिर एक इधर हुआ तो एक इधर हुआ तो फिर एक इधर कर दोगे, ये कैंसिल बी कैंसिल और सी, देखो ये दोनों एक साइड हो गया, सी कैंसिल, इसलिए सोलह का क्या हो जाएगा बच्चों, सोलह का डी, क्या हो जाएगा सोलह का डी। सत्रह नंबर देखो, ये दोनों फिगर क्या है, ऊपर की तरफ है, दोनों फिगर क्या है ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये एरो में देखो इसको पलट दिया, एक को ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया, ये जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया, छोड़ दिया, सेम वही करोगे, इधर वाले को वैसे ही छोड़ दे, इधर वाले घुमा दो इधर, यहाँ पे ये बन रहा है कैंसिल,
यहाँ पर तो ये आना ही आना है, लेकिन ये नहीं चेंज होना है। यहाँ पे ये चेंज कर दिया, इससे ये कैंसिल। देखो ये ऐसे ही है, नीचे वाले को चेंज कर दिया, इसलिए क्या होगा, 17 का, 17 का सी हो जाएगा। 18 का देखो बच्चों, इसको इधर घुमा दो ये बन जाएगा, इसको जब इधर उधर घुमा दो तो सारा वाई किधर आएगा, ऐसे आएगा। इसमें दिया गया ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसमें भी दिया गया है। अब प्लस इधर आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे गोला डी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 18 का ए हो जाएगा, हो जाएगा। 19 का देखो, 19 में कोने कोने पे क्या दिया है, गोला, ठीक ना, अब बीच में इसे बना दिया। अब देखो बिल्कुल इसके ये उल्टा दिया गया है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो यहाँ पे इसने बना दी, तो यहाँ पे दिया गया था, हम लोग यहाँ पे ऐसे फिगर बना देंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे फिगर बननी है ना, डी भी कैंसिल, क्या हो जाएगा 19 का सी। 20 का देखो बच्चों, जो तीर ऐसे थी उसने ऐसे बना दिया और इसको घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे, दोनों पे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, इसमें बना हुआ, लेकिन बीच में जब ये दोनों घूमेंगे ऐसे ना, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्किल टाइप का बनेगा, किसमें बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का किसमें बना हुआ है, 20 का बी, 20 का किसमें बना है, बी। 21 का देखते हैं, 21 का बच्चों देखो यहाँ पे ये दी है, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ कैंसिल, यहाँ पे देखो बच्चों जब ये आएगा तो ये नीचे की तरफ, ये नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले ऊपर बना दिया कैंसिल, क्या हो जाएगा 21 का ए। 22 नंबर देखो बच्चों, ये हमारा कैसा बनेगा देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। अब देखो ये यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ए और डी, ए और डी में आपको कैंसिल करना, जल्दी बताओ कैसे कैंसिल करोगे। ये वाला पार्ट देखो बच्चा बिल्कुल सीधे आ गया, जबकि ये क्या थोड़ा टेढ़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 22 का डी। 23 नंबर देखते हैं, 23 नंबर छोटा सा ऐसा फिगर आएगा, 23 का क्या हो जाएगा बी। 24 बच्चों कैंसिल करोगे जल्दी, 24 को ऐसे मिलाओ, देखो ये तो नहीं होगा ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा बच्चा आपका बी और डी, तो डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का बी। 25 मिरर इमेज है बच्चा, देखो ये तीनों गोले इधर आ जाएंगे, यहाँ पे गोले दिए हैं ये कैंसिल, यहाँ भी गोले दिए ये कैंसिल, ये ई किधर बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये इसमें सीधे दिया ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा 25 का सी। 26 का देखो, ये तो गोला अंदर ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, चलो ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये घूमेगा तो ये तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ऊपर तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन नीचे वाला ये यहाँ चलाएगा, यहाँ पे खाली रहेगा, किसमें दिया गया है 26 का भी। 27 में देखो बच्चों, इसको घुमा दोगे ऐसे और ये किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये गोला यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 7 का ये बन जा, ये तो बन रहा है ना, 27 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो पलट गया कैंसिल हो जाएगा, 7 वैसे ही दे दिया कैंसिल हो, 27 का क्या हो जाएगा बी। 28 का देखो बच्चों, पी किधर हो जाएगा, पी का मुंह इधर हो जाएगा, बी ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा, पी यहाँ पे सीधे, ये पी सीधे दिया है कैंसिल, और भी तुम्हारा सीधे है, भी तुम्हारा उल्टे किसमें किया, ये कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारा ए यहाँ पलट दिया, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 28 का ए हो गया। 29 नंबर देखो, 29 नंबर क्या होगा जल्दी बताओ, 29 में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऐसा बना हुआ ना तो चारों फिगर में ऐसा आकृति बनेगी, ये जब खोलेगा तो इसने ऐसी कंप्लीट करनी है, इधर भी ऐसी कंप्लीट करनी है, इधर भी ऐसे कंप्लीट करना है, इधर भी ऐसे कंप्लीट करना है, किसमें बन रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 29 का क्या होगा सी। 30 का देखो बच्चों क्या बनेगा, 30 का क्या होगा, 30 का देखो क्या होगा जल्दी, यहाँ पे ये ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे सीधे बनना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। 30 का क्या हो जाएगा सी। 31 का क्या होगा जल्दी देखो, ये ऐसे बनाना, इधर वाले में भी ऐसा बन जाएगा छोटा सा, ऊपर भी बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा, ये तो नहीं होगा ना बच्चा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का मुंह हरदम इधर के, इसका भी नीचे की तरफ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। 31 का क्या हो जाएगा सी, ये तो होगा ही नहीं। 32 करते हैं, 32 में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक सर्किल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, चार सर्किल नहीं बनेंगे, ये गलत किया है बच्चा, कितने सर्किल यहीं पे बनेंगे ना, ये तो देखो ऐसा तो कहीं पैटर्न नहीं बन रहा है बी। 32 का क्या हो जाएगा बच्चों ए, 32 का क्या हो जाएगा ए, 32 का ए हो जाएगा। 33 करते हम लोग, 33 का क्या होगा जल्दी देखो, ये सारी ज्योमेट्री में दिखनी चाहिए उसमें, देखो इसमें ये वाला पार्ट तो कहीं नहीं यूज किया गया ना, इसमें ये कैंसिल देखो इतना बड़ा, ये भी नहीं है ना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चा ए। 33 का क्या हो जाएगा ए।
थर्टी फोर देखो, हेलो देखो बच्चों, 34 हम लोग कर रहे थे ना, ये स्क्वायर इसमें नहीं दिया गया ना, ये कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर नहीं दिया, कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 18 का और 34 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। 35 नंबर देखो, 35 में ये हमें दिखना चाहिए, इतना बड़ा पार्ट नहीं है ना, ये भी कैंसिल, इसमें तो वो दिया ही नहीं, इसमें भी नहीं दिया होगा, 35 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। देखो बहुत पेपर आसान आया है। 36 देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 36 बताओ, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्वाड्रिलेटरल दिया, ये कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 देखो बी तो कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी, ये किसमें बन रहा है, सिंपल सा बच्चा, ये क्या है देखो, ये आकृति ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे बन रही है, ए में किसमें बन रही है, 37 का ए बन रही है, किसमें बन रही है, 37 का ए। 38 का देखो बच्चों, देखो ये क्या आ रहा है ना, नहीं इसमें नहीं हो रहा, इसी में बन रहा है, ये लाइन ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, 38 का डी हो जाएगा। 39 चलते हैं, 39 देखो बच्चों, ये तो तुम लोग का रीजनिंग किया हुआ है ना, ये तो बिल्कुल मैच हुआ है आपके किए हुए से। देखो ये पार्ट ऐसे हो गया और ये वाला पार्ट इसी में से है, और किसी में नहीं ना मैच हो रहा है, किसी में भी नहीं मैच हो रहा है। 39 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये, और लास्ट रीजनिंग जो है बच्चों क्या है, 40 में देखो किसी में भी मैच नहीं होगा, ये किस में होगा, 40 का बी। ठीक ना बच्चों, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं रीजनिंग में जरूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। देखो एक सवाल ये है, बोला है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, मान लो यहाँ पे मानक क्रय मूल्य कितना है एक्स, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 240, यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा बच्चों, लाभ 240 दिया गया है ना, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आपको पता है, क्या होगा देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत अगर आपने सीपी मान लिया है, निकाल लोगे ना लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ इंटू 100, यानी 240 लाभ इंटू 100 अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, लाभ इंटू 100 अपान में सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लाभ प्रतिशत 20 दिया गया है, सिंपल सा है, कितना हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 240000 इक्वल टू 20x, एक्स से इसको डिवाइड कर दोगे 20 से, ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1200, ये 1200 रुपया आपका क्या हो गया बच्चा, एक्स इक्वल टू मतलब क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है, 240 रुपये अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता रहा है, क्रय प्लस का लाभ, क्या हो लोगे, 1200 प्लस 240 कितना आ जाएगा बच्चों, 1440, ऑप्शन नंबर क्या टिक लगाओगे, बी, क्या लगाओगे, 41 का क्या लगाओगे बच्चा, बी। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे ए लगा दिए जो गलत है। 42 देखो, बोला है एक पानी टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, यह टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो टोटल उसका निकाल दोगे, कुल वॉल्यूम निकाल दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 11 दहिया 110, 110 में करोगे कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा बच्चों, 990, अगर 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है तो 11 इंटू 10 इंटू 6 कितना भरा है पानी, 660, कितना खाली है, 990 माइनस 660 कितना हो जाएगा, 330 खाली है, तो उसकी ऊंचाई तक पानी टंकी का कितना भाग खाली है, तो 330 अपान में टोटल 990, ये कट के कितना हो जाएगा बच्चों, 3/11 33 11/99 1/3 कितना भाग खाली है बच्चों, 1/3 भाग खाली है, कितना भाग खाली है, 1/3 भाग खाली है ना। 43 देखो, इसमें देखो बोला एक हाल फर्श जिसकी लंबाई, इसमें तो सिंपल सा करना होता है ना, कितना टाइल्स लगेंगे, तो बड़े वाले क्या हुए ऊपर 12 मीटर 10 मीटर दिया है, तो 1200 सेंटीमीटर इंटू 10 100 सेंटीमीटर अपान में 10 इंटू 8
जीरो से जीरो कटा दो, इसको कटा दो कितना हो जाएगा 150 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों कितना हो जाएगा 15,000। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 15,000। बी क्या कहते हैं 43 का कितना हो जाएगा 15,000। राइट ऑप्शन बी 44। देखो यदि विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 का कम मिलते हैं तो कुर्सी का क्रय मूल्य। इसमें मान लोगे मानक क्रय, यहाँ मान लोगे मानक क्रय कितना है एक्स, और एक्स का 15% लाभ पर बेचोगे एक्स इंटू 15/100 कितना हो जाएगा 15x/100। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य में जोड़ दोगे 15x/100 कितना हो जाएगा बच्चों 115x/100। दूसरा 8% पे बेच रहा है तो x का 8% / 100 कितना हो जाएगा 8x/100। एसपी x में जोड़ दोगे कितना होगा 118x/100। अब देखो 115x पे बेचा तो उसे 56 रुपये ज्यादा मिले तो दोनों को माइनस करके लिख दो 115x 108 हो जाएगा माइनस 108x/100=56। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों माइनस करोगे तो हो जाएगा 7x=5600। 7 से इसको डिवाइड कर दो बच्चा कितना हो जाएगा 800। तो सीपी कितना हो गया 800, सीपी कितना हो गया 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 का क्या हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये बोला गया एक गाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग पार करने में 2 + 1 टोटल कितना ट्रेवल करेगी 3। और टाइम आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/45 कितना हो जाएगा 1/5 इंटू का 60 यही ना होगा 2 × 3 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में 45 इंटू का ये हो जाएगा 1/15 इंटू 60 मिनट में चेंज करो 15 × 60 कितना हो जाएगा 4 मिनट। राइट आंसर क्या होगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी 45 का क्या हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है बच्चों। 46 में हम लोग चलते हैं 5555 कैसे लिखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 46 का ऑप्शन नंबर डी। 26 संख्याओं को यूज करके 4 अंक की बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 9740 छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4079 माइनस कर दोगे 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ 13 में से 7 जाएगा और 13 में 7 जाएगा 6 यहाँ पे 6 9 में 4 जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5661 ऑप्शन नंबर डी। 47 का क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 देखते हैं बच्चों 2 क्रमागत का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। देखो 3 और 5 ये संख्या होगी जिनका योगफल 8 होगा और 3 और 5 ऐसी संख्या होगी जिनका क्या होगा 15 होगा। इनको ऐड कर दो 1/3 + 1/5 इनके व्युत्क्रम का योगफल है इनका पहले योगफल निकाल दो तो योगफल 1/3 इसका व्युत्क्रम 1/3 1/5 होगा 15 3 5 15 5 15 कितना हो जाएगा बच्चों 8/15 हो गया क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 देखो आपको एचसीएफ निकालने आता है एचसीएफ के लिए हमने मिनिमम पावर कॉमन करना होता है 2^2 2^4 2^3 क्या करेंगे 2^2 × 3^3 3^2 3^4 क्या कॉमन करेंगे 3^2 5^5 5^2 5 क्या कॉमन करेंगे 5। और देखो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा क्या होगा 2^2 × 3^2 × 5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 50 चलते हैं यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनके बीच की संख्या है बताइए पहली संख्या a मानेंगे दूसरी संख्या a+1 तीसरी संख्या a+2 = 15 कितना होगा 3a+3 = 15 कितना हो जाएगा 3a = 15 में 3 जाएगा 12 a = बच्चा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 बीच वाली संख्या बताइए पहला हो जाएगा 4 दूसरा हो जाएगा 5 तीसरा हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6 4 × 5 = 6 तो बीच वाली संख्या का वर्ग 5 का स्क्वायर करोगे बच्चा कितना हो जाएगा 25 50 का कितना हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक ना। 51 नंबर पे बढ़ते हम लोग बोला है संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है ठीक ना। 4 या अधिक कोई संख्या 4 से कब भाज्य होती है जब उसके अंतिम 3 अंक 4 से कट जाते हैं 51 का क्या हो जाएगा बच्चों डी बहुत बढ़िया 51 का डी होगा। 50 को 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है आपको पता है ना 100 सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चा 1 मीटर होता है और 1000 सेंटीमीटर में बच्चा क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। यहाँ पे आप चेंज कर लोगे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर इससे डिवाइड कर दो मीटर में 1 2 3 4 5 कितना होगा 0.12345 इतना हो जाएगा किसमें दिया गया है 2 2 4 1 5 ऑप्शन नंबर सी 2 2 4 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना 5 0 से डिवाइड करोगे 1/5 जैसे 1/100 होता है तो क्या लिखते हो 0.01 लिखते हो ना तो अगर 4 0 है तो कितना 0 लगाओगे यहाँ 2 0 तो 0.01 वही होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 देखो 3 4 5 भी भाज्य है इसका एलसीएम निकाल दोगे 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल दोगे कितना हो जाएगा बच्चों 60
तिरपन का क्या हो जाएगा बी। चौवन देखो, इसे डिवाइड कर दो, करने पर भाग कितना होगा 4.239 को डिवाइड कर दो 0.9 से, पॉइंट हटा दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तीन जीरो से, नीचे भी करोगे तीन जीरो से, ऊपर कितना हो जाएगा 4239, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 900, 9 से इसको डिवाइड कर दो, न चौके 36, 36 12 में से 6 हो जाएगा 6, 6 9 7 63, 9 एकम 9 अपान में 100, कितना हो जाएगा 4.71। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 का क्या हो जाएगा बी, 54 का क्या हो जाएगा बी। 55 देखो, मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः है, यदि 25 मिनट आगे है तो कितना होगा 7:05 में 25 मिनट माइनस कर दो, नहीं होगा 60 ले लोगे 65, 5 में से 5 जाएगा 0, यहां क्या बचा 30, 5 2 जाएगा 3, कितना हो जाएगा बच्चों नहीं 5 में 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 40 7 घंटा 40 मिनट नहीं अच्छे हो जाएगा ना 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है बच्चों, 56 पे चलते हैं हम लोग। बोला है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, यदि 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है 80 × 20, इसको कर दोगे कितनी हो गई लड़कियां 16, लड़के कितने हो गए माइनस कर दो, 80 में से 16 माइनस कर दोगे लड़के कितने हो जाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, लेकिन हमें लड़कों को इसमें कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए, तो लड़कियों को कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, लड़कियों को 30% करना पड़ेगा, लड़कियों को 30% करोगे तो 80 × 30 बट्टे में 100, तभी ना बच्चे लड़कियां कितनी हो गई 24, पहले लड़कियां कितनी थी 16, और कितनी लड़कियां लोगे 8, कितनी लोगे 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों डी। 56 का क्या हो जाएगा डी, 57 करते हैं, दिया है 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, या रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी का समय बताइए। अब बताइए यहाँ पे दिया एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किमी दूरी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1/2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक ना। अब देखो यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। अब डिस्टेंस कैसे होगा x, तो मान लेते हैं ये जो दूसरी वाली ट्रेन है इसकी डिस्टेंस x है, अगर मान लो एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस दोनों की ऐड करनी पड़ेगी, x प्लस 1250 अपान में स्पीड कितनी है बच्चा 1/2, ये कितनी हो जाएगी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 1250 इक्वल टू 4 मिनट, 2 से इसको कटाओगे कितना हो जाएगा बच्चा 2, इसको ऐसे नहीं करो, दो मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है, 1250 का मतलब समझ रहे हो बच्चों 1.25, इसको ला के इधर माइनस कर दोगे 2 माइनस 1.25 माइनस करो कितना हो जाएगा बच्चों 2 में से माइनस कर लो 2.0 में से 1.25, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 110.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 750, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का क्या हो जाएगा सी, डन। 58 देखो, राहिम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त अधिक प्राप्त किया, जाद ने राहिम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तीनों के अंकों का योगफल इतना है, देखो सबसे कम कौन प्राप्त किया, राहिम ने दिनेश से 10 अंक, दिनेश को मान लेंगे, दिनेश का अंक मान लेते हैं, दिनेश कितना हुआ x, राहिम कितना मिल जाएगा बच्चों x प्लस 10, ठीक ना, और जार्ज को मिल जाएगा x प्लस 10 प्लस 25 अंक कम प्राप्त हुए, जार्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए माइनस 25, तीनों को जोड़ दो 1, 1, 1, 3x, 10, 10, 20, 20 में से 25 जाएगा कितना होगा माइनस 15 इक्वल टू 235, 3x इक्वल टू इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 235 में 15 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 260, क्या हो जाएगा वहाँ एक हो गया x प्लस 10, ये तो मान लो क्या करोगे 25 उधर ऐड हो जाएगा, मान लो 20 हो जाएगा ये x, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो करते हैं 3x प्लस 10, 10, 20 माइनस 25 इक्वल टू 235, सॉरी दो सौ पैंतीस, 3x माइनस कितना हो जा रहा है बच्चों 5 इक्वल टू 235, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 200, x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 80, कितना जार्ज का अंक पूछा गया था, जार्ज सबसे लास्ट वाला था, 80 में 10 जोड़ोगे 90, 90 में 25 माइनस कर दोगे बच्चों कितना होगा 65, कितना हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर बी। 58 का क्या हो जाएगा बी,
जात का कितना नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 59 करो, सबसे पहले इसको करो 10 से 30, 50 में 30 जाएगा 20, 100 में से 20 माइनस करोगे 80, 80 में करोगे ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा 10 दहिए 100, 100 में 5 ऐड कर दोगे बच्चों कितना हो जाएगा 105, राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी, 59 का क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 60 का देखो 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो देखो 360 ऊपर लिखोगे, 3 ग्राम किग्रा को नीचे लिखोगे, इसको ग्राम में चेंज कर दोगे कट जाएगा, ये 6 का 36, 6 5 30 50 हो जाएगा, 3 किग्रा है ना, ये हो जाएगा 1/5, परसेंटेज में चेंज करना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 20, एक मिनट, कितना हो जाएगा 360 अपान में 3000 इंटू का 100, 00001 कितना हो जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर ए 60 का क्या हो जाएगा ए हो गया सारा मैथ्स, और वो हो गया। हम लोग बढ़ते हैं पैसेज की तरफ, देखो बहुत ही आसान पैसेज पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनकी आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं को विरोध संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, वे स्वाधीनता के आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए, वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने, वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। क्या दिया, लाल बहादुर से भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, द्वितीय थे, ठीक ना, पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे दिया गया है सबसे प्रथम लाइन में द्वितीय प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने जीवन में अनेक क्या संघर्ष किया, अनेक बाधाओं के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी 62 का क्या हो जाएगा बी, वह नेता बन गए, जन नेता सही दिया गया है, और पैसेज में आपको दिया गया 64 बन गए क्रिया का क्या है, बन गए यानी भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी पूरा करना यानी संपन्न करना, 65 का सी डन। अगला पैसेज पढ़ते हैं हम लोग, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी की गहराई तक जाने वाले एक बड़ा छिद्र होता है, इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी रकमुख, मुख विवर कहा जाता है, कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, इससे ज्वालामुखी को विस्फोटक कहा जाता है, और धूल गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं, कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान से जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ से नीचे बहने लगती है, यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है, बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं और द्वीपों का निर्माण करते हैं, ज्वालामुखी के बारे में क्या सत्य नहीं है, यह बड़ी जंगली आग सा, देखो जंगली आग नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए यह राख, ये तो सही है, राख अधिकांशतः समुद्र के, यही पद सही है, इससे पृथ्वी के नीचे तक बड़ा छिद्र, सही है। 67 देखो बच्चों, 66 का क्या लगाओगे बच्चों ए, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत बढ़िया, सक्रिय होगा 67 का, ऑप्शन नंबर सी। 68 देखो बच्चों, पहाड़ से नीचे बहने वाला लावा क्या होता है, द्रव्य होता है, क्या होता है, द्रव्य होता है, 68 का क्या लगाओगे बी, शांत का विलोम है, शांत का क्या विलोम होगा बच्चों, सक्रिय, क्या हो जाएगा 69 का डी, बहुत बढ़िया। 70 देखो बच्चों, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित शब्द है क्या है, के साथ पीछे निरंतर, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, प्रयुक्त सहित, सहित का क्या अर्थ है ये बताना है आपको, जल्दी बताओ, सहित का होता है निरंतर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नहीं एलॉन्ग विथ, सॉरी गलती है, के साथ, सही है, क्या हो जाएगा के साथ। 70 का क्या हो जाएगा बच्चों ए, आगे हम लोग पैसेज पर पढ़ते हैं बच्चा, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी उब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए, इससे हमें अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं, तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं, हंसना वंचित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है, हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों संग्रहालय अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं, शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खेलना। 71 देखो, हम तरह का
काम करते करते एक ही समान काम करते करते थक जाते हैं। सी 71 का सी बढ़िया है। 72 दे कुछ मनोरंजन करने के बाद हम काम कर सकते हैं पुनः आरंभ। क्या कर सकते हैं? पुनः आरंभ करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, मतलब पुनः आरंभ कर सकते हैं। पूछा ऊपर साफ साफ दिया गया है। 73 देखो बच्चों, हंसने से हमें क्या मिलता है? केवल अनुसार बीमारी, केवल प्रत्यक्ष विषाणु दूर करने में मदद मिलती है, अवांछित तनाव। ऑप्शन नंबर बी 73 का बी ठीक है। पुनः आरंभ करना, फिर से शुरू करना। 74 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी। 75 का क्या हो जाएगा बच्चों? क्षमता का विपरीत अक्षमता। सही है 75। लास्ट पैसेज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उस गलत समझा। बाहर से अनेकों चीजें आकर्षित लग सकती है, परंतु प्राय जैसी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। हमें किसी व्यक्ति या चीज पर वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। बाहरी रूप रंग का प्राय धोखा देते हैं। क्या देते हैं? बाहरी रूप रंग हमें क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना? धोखा देते हैं। दूसरा दिया गया है देखो बच्चों, एक ही नजर में जानना कठिन होता है किसी व्यक्ति का सद्गुण अच्छे आचरण को। ऑप्शन नंबर थ्री 77 का सी। 78 है, अधिकतर हम किस व्यक्ति के आकर्षित हो जाते हैं? बाहरी रूप रंग से। 78 का सी। 79 है, आकर्षक का परिवाची नहीं है, सुंदर हो सकता है दर्शनीय प्रिय असुंदर। 79 का अगली ठीक है। वास्तविक शब्द है विशेषण। वास्तविक शब्द क्या है बच्चों? विशेषण, ठीक ना? तो हमने क्या किया बच्चों, 80 के 80 क्वेश्चन को कर लिया, और ये भी इतना कम समय में, ठीक ना? सारे बच्चे जिनका जो भी स्कोर आ रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक ना? चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी बच्चों का जो भी डाउट हो एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों? थैंक यू, जय हिंद।